गाइस कैसे हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना इस चैनल बिट्टू ट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ वर्ग वर्ग जो पिछले अध्याय में मैंने बता चुका था। जो लोग मेरे पिछले इसका पार्ट वन मैंने बना चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो है ये सब चीजें दुख की दिखाई दे रहे। 98 के स्क्वायर कैसे निकालें, 93 के स्क्वायर कैसे निकालें। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 97 इसको कीजिएगा, 97 जिसे पिछले प्रोसेस है बस वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, देखने की जरूरत है। यहाँ आप जीरो आप इसको देखिए, 97 कीजिए, देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, तीन कम है तो लिखिए तीन। दोस्तों आपको माइनस कम है, माइनस पे करना है, यहाँ माइनस कीजिए। दोस्तों आप इसको आप यहाँ से एडिशन कर दीजिए इसको, देखिए दोस्तों इधर से आपको इसे तिरछा, इसको तिरछा इसको क्या करना जानते हैं, इसको जोड़ना है, प्लस करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, 9 होगा। इसमें कीजिएगा कितना होगा, 94 हो जाएगा, ये माइनस है, -3 माइनस कीजिएगा 94। ये दोस्तों आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आए देख एक और वीडियो में बता, एक और मैं बताता हूँ दोस्तों। देख लीजिए 983 देख लीजिए, 98 को ही कीजिए तो ये 100 कितना कम है, -02 -02 मल्टीप्लाई कीजिए 04, इसको मल्टीप्लीकेट इसको कीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए कितना होगा, 96 960 आया, 960 आया। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात एक और है, जैसे कि दोस्तों अभी मैं ये अभी रुकिए, अब आपको मैं फिलहाल में दूसरा मैं बता कर दिखाता हूँ आपको। 89 का निकालना हो, यानी कि 89 निकालना हो तो 89 ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 11 कम है ना, 11 कीजिए, 89 कीजिए, 11 कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना तो आएगा 121 आएगा ना, ये कितना कम है, 1780 कम है। अगर आपको इसमें ध्यान देने की बात है दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ देखिए आपको हमेशा, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ हमेशा टू डिजिट ही रखना है, तो यहाँ रखना है आपको, कीजिए यहाँ 21 एक जो है एक कैरी रख लेते हैं, इसको इसमें काउंट जोड़ देते हैं कितना होगा, 7929। ये तो रही बात आप इसको कितना तक आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं आप इसको कितना तक निकाल सकते हैं, आपको 75 से 75 से लेकर 99 तक निकाल सकते हैं, इसमें 75 से लेकर 99 तक इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, आप इसको इतना तक निकाल सकते हैं। सही बात कि आप 79 तक तो निकाल सकते हैं, और एक 100 से 125 तक तो वाला तो आप देखिए पिछले पार्ट में इसका बना सकता हूँ, बना दिया हूँ, और दूसरा वीडियो ये बना रहा हूँ, और इसका आपको अगला भी बता देता हूँ। लेकर 10 तक आप 10 से 80 तक कैसे निकालना है उसको भी बता देता हूँ अभी फिलहाल में, आप देख लीजिए 10 से लेकर 80 तक निकाल लीजिए। तो ध्यान इसमें कोई भी दो अंक डिजिट नंबर रहेगा उसका निकालना रहेगा, देखिए मानते हैं अगर 64 ले लेते हैं, 64 कोई भी आप अंक ले सकते हैं 10 से लेकर 80 तक आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं 64 ले रहा हूँ, तो आपको लेने के लिए एक ट्रिक बता दूँ, ये ट्रिक आप जान जाइए, इसको AB कर दीजिएगा, AB का स्क्वायर कीजिए, तो फार्मूला आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर, तो आप इनटू में कीजिए a² b² इनटू 2ab कर दीजिए, a² 2ab इनटू b², तो यहाँ देखिए आपको 64 है, 64 का स्क्वायर कीजिएगा, इधर से कीजिए 64 का स्क्वायर कीजिए,
कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा ना, तो 16 कैरी रखिए, एक रखिए कैरी, 16 हो गया। अब आपको करना क्या है, 2 AB बोल रहा है ना, 2 2 रखिए, 6 कितना है, 2 AB बोल रहा है, तो 2 × 6 इंटू कितना, 6 × 24 24, 6 × 24 24 में 48, 48 हुआ, 48 एक की जो कैरी हुआ एक, फिर कैरी बचा 4, अब ए का स्क्वायर बोला 36, 36 4 कितना हुआ 40, इसका कितना हुआ 4096। एक और मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो एक और देख लीजिए, 54 देख लीजिए, 54 ही निकाल लीजिए, ये देखिए, वैसे ही फार्मूला पर जाइए, ए इंटू 2 AB इंटू इसको 40 कीजिए, 4 कितना होगा 16, कैरी हुआ 1, 2 AB 25 20, अब 20 × 2 = 40, 40 × 5 = 20 कीजिएगा ना, ए बी 5 × 20 20 × 2 = 40, हाँ से एक कैरी जो हुआ 40 × 41 कितना बचा 4, कैरी कितना हुआ 4, 25 25 4 कितना हुआ 29 29। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बिट्टू ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।